हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, तो जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना सेफ साइड अगर खेलनी है और मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है सिप में, तो आप लार्ज कैप में एक तरीके से पैसा जो है वो सेफ रहता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी उसमें नहीं रहती है। सेफ अगर कहेंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं रहती है, जिस तरीके से स्मॉल कैप में मिड कैप में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, लार्ज कैप में उतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है और एक अच्छा खासा अमाउंट भी वो जनरेट करते रहते हैं धीरे धीरे। तो जो भी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में अगर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप इनमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स हैं ये, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इन टॉप 5 में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने अपना क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज में पर मंथ में। तो जहां पे आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स मिल जाया करेंगी, स्टॉक रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी उसका 1-to-1 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ के, क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जुड़ के आप ये फैसिलिटीज जो है अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। डायरेक्ट प्लान लीजिए, डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू ना करने के बजाय आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू। तो पहला जो म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप में वो है एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड। आप देखेंगे एक अच्छा खासा इनके पास में फंड साइज है, 27,000 करोड़ का करीब करीब इनके पास में फंड साइज है। और रिस्कोमीटर जो कहेंगे तो थोड़ा इसका वेरी हाई रिस्कोमीटर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंपनी जिस तरीके से ये म्यूचुअल फंड जो जिस तरीके से इसको अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया। 41 स्टॉक्स है इनके पास में और लार्ज कैप में इनके पास में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 85% का लार्ज कैप जो है स्टॉक्स जो है उनमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है, और 12% समथिंग अदर्स, एंड आप देखेंगे तो 2% समथिंग इनका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है। टॉप 10 अगर आप इनके जो स्टॉक्स अगर देखेंगे तो टॉप 10 में जो स्टॉक्स जो आते हैं उनकी वेटेज करीब करीब आप देखेंगे तो 67% की वेटेज है टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं। तो समझ लो टॉप 10 में ही है मोस्टली जब जो कुछ है इनका। तो आप देखेंगे तो HDFC बैंक है, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI, TCS, कोटक महिंद्रा, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, डिवीज लेबोरेटरी, एक बेहतरीन इन्होंने जो है स्टॉक्स अपने टॉप 10 में रख रखे हैं, और इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। और मैं आपको एक साल की अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर आपके सामने रखूं तो 1 ईयर में आप देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है एक अच्छी खासी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, और 1 ईयर का अगर एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न इसने दिया है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आप किसी स्टॉक्स में अगर आप अपना आपने पोर्टफोलियो अगर नहीं बना रखा है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा लगा रख सकते हैं, 50% अगर कहेंगे तो एक अच्छा खासा है, बिना कोई सरदर्दी के, बिना कोई परेशानी के 50% आपको जो है एक अच्छा खासा एक अमाउंट भी मिल रहा है, और बढ़िया। तो मैं आपके सामने इनके जो है स्टॉक्स रखता हूँ कि किस किस सेक्टर से इन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं। तो बैंकिंग से देखेंगे आप, कंप्यूटर, बैंकिंग, NBFCs, फार्मास्यूटिकल, रिटेलिंग, रिफाइनरीज, हाउसिंग, सीमेंट एंड पैसेंजर यूटिलिटीज व्हीकल्स, डाइवर्सिफाइड पेंट्स, ऑटो एंसिलरीज, कंज्यूमर फूड, केमिकल स्पेशलिटी, पीडीलाइट, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, स्टील, जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस, टाइटन, एल्यूमिनियम सेक्टर, हिंडालको, टी कॉफी से टाटा कंज्यूमर, इंजीनियरिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन, LNT, InfoEdge। तो देख सकते हैं एक अच्छा खासा इन्होंने एक पोर्टफोलियो अपना बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लार्ज कैप में अगर किसी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले टाइम में भी। एंड सेकंड जो म्यूचुअल फंड है वो है मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। इसका भी देखेंगे तो फंड साइज बहुत अच्छा खासा है और 25,500 करोड़ के करीब करीब इनका फंड साइज है, मॉडरेटली हाई रिस्कोमीटर है इसका करीब करीब। और आप देखेंगे तो इनका एक साल का रिजल्ट रिटर्न जो है 56% इन्होंने रिटर्न दिया है एक साल के अंदर करीब करीब, और 59 स्टॉक्स हैं इनके पास में। मैं आपको स्टॉक्स की वेटेज बता देता हूं कि 10 स्टॉक्स की जो वेटेज है वो कितनी है, तो आप देखेंगे करीब करीब 56% की स्टॉक्स की वेटेज है टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं उनमें। तो टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं नाम आप देख लें, HDFC, इंफोसिस, ICICI, रिलायंस, एक्सिस, TCS, SBI, भारती, HUL, मारुति, सारे के सारे आप देखेंगे एक सुपर क्लास स्टॉक्स इन्होंने अपने जो है लगा रखे हैं पोर्टफोलियो में,
टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे बैंक्स में आप देखेंगे तो चार बैंक इन्होंने ले रखे हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस तो एक प्राइवेट बैंक, और एसबीआई जो है पीएसयू बैंक, और बढ़िया दमदार बैंकिंग भी धीरे 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 अब राह पकड़ रहा है ऊपर की। और आईटी सेक्टर से अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस इनके पास में मौजूद है, और एफएमसीजी से अगर आप देखेंगे तो एचयूएल मौजूद है, पैसेंजर व्हीकल्स से देखेंगे तो मारुति सुजुकी मौजूद है, टेलीकॉम से भारती एयरटेल है, एंड साथ के साथ देखेंगे तो टीसीएस मौजूद है आईटी सेक्टर से, एक सेकेंड स्टॉक, और रिलायंस इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई सेक्टर से बढ़िया स्टॉक आईटी में ये भी मौजूद है, जियो यो से इनका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, तो इनके पास भी देखेंगे तो आप एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है, 59 स्टॉक्स इनके पास में मौजूद है। और सेक्टर में आपके सामने रख दूंगी कौन कौन से सेक्टर्स में इन्होंने अपने जो है स्टॉक्स ले रखे हैं, किस किस सेक्टर से स्टॉक ले रखे हैं, तो आप देखेंगे तो बैंकिंग, कंप्यूटर्स और आईटी से देखेंगे बढ़िया स्टॉक्स इनके पास मौजूद हैं, रिफाइनरीज, फार्मा, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाई, एनबीएफसी, पैसेंजर यूटिलिटीज, कमर्शियल व्हीकल्स, सिगरेट सेक्टर से आईटीसी, अंबुजा, हाउसिंग फाइनेंस, पर्सनल केयर, पावर, सैनिटरी वेयर, कंज्यूमर फूड, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स ज्वेलरी वॉचेस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवेल्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, पावर फाइनेंस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो बढ़िया एक इन्होंने बीकेटी टायर, टीवीएस, पीआई, पेट्रोनेट, एक अच्छा खासा इन्होंने एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रखा है, और ये भी एक बेहतरीन आप कहेंगे म्यूचुअल फंड है। एंड नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है कैनरा रवरको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, और आप देखेंगे तो इनका जो है फंड साइज 3,000 करोड़ के करीब करीब है, रिस्कोमीटर इनका वेरी हाई है, और मैं आपके सामने इनका रिटर्न अगर रखूं वन ईयर का तो आप देखेंगे तो समथिंग 56% के समथिंग इनका रिटर्न है, और 48 स्टॉक्स इनके पास हैं। लार्ज कैप की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इनके पास में जो स्टॉक्स जो मौजूद हैं करीब करीब 75% इनका जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में है, एंड मिड कैप में 12% समथिंग है, एंड 10% अदर्स में है, और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज में करीब करीब इनका 50% है, मतलब आधा तो टॉप 10 में लगा हुआ है जो वेटेज है उसमें। आप देखेंगे तो बैंक इनके पास में करीब करीब 4 है, एनबीएफसी 1 है, एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो रिलायंस आईटी सेक्टर से इनके पास में 2 मौजूद है, एचडीएफसी इनके पास में मौजूद है हाउसिंग फाइनेंस से, तो फाइनेंस, बैंकिंग और आईटी एंड रिफाइनरीज इनके पास में मौजूद है टॉप 10 में, जो कि आप कहेंगे तो सेक्टर से एक अच्छे खासे चल रहे हैं ये सेक्टर्स। और मैं आपके सामने इनकी कंप्लीट अगर होल्डिंग रखूं तो कंप्लीट होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो इनके पास में एक अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स इनके पास में मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छे खासे स्टॉक्स की लिस्ट मौजूद है, टाटा स्टील, एशियन पेंट, सिप्ला, एम्फेसिस, वोल्टास, इंद्रप्रस्थ, सन फार्मा, ग्रासिम, गुजरात गैस, मैक्स फाइनेंशियल, एसबीआई कार्ड, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, कमिंस एंड महिंद्रा महिंद्रा, कंसाइन एरोलैक, अबॉट, वर्लपूल एंड श्री सीमेंट, एक अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी के नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, और इसका आप देखेंगे तो करीब करीब 10,500 करोड़ का फंड साइज है, मॉडरेटली हाई रिस्कोमीटर है इसका, एंड रिस्क तो है, वन ईयर की आप देखेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस 61% की रही है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 41 है ओनली इनके पास में, एंड आपको मैं डिटेल्ड पोर्टफोलियो इनका दिखाऊं, और साथ में आप देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक्स में करीब करीब जो वेटेज है वो है आपके सामने मैं रखता हूं तो 56% है, 78% करीब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है इनका, 10% समथिंग मिड कैप में, एंड स्मॉल कैप में 3% समथिंग, और 56% इनका टॉप 10 में वेटेज है, जिसमें बैंक आप देखेंगे तो 3 तो इनके पास बैंक्स मौजूद हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, टेलीकॉम से भारतीय एयरटेल, आईटी सेक्टर से देखेंगे तो एससीएल और इंफोसिस इनके पास में मौजूद है, एंड डाइवर्सिफाइड सेक्टर से इनके पास एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल मौजूद है, पावर सेक्टर से एनटीपीसी मौजूद है, तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा इन्होंने भी जो है टॉप 10 में जो होल्डिंग्स जो ले रखी है एक अच्छा खासा प्रोफाइल इन्होंने भी अपने स्टॉक्स की बना रखी है। एंड आपके सामने अगर मैं स्टॉक्स रखूं तो स्टॉक्स में आप देखेंगे तो एक आईटी सेक्टर भी इनके पास में एक अच्छा खासा भरा पड़ा है, सेक्टर के हिसाब से मैं आपके सामने रखूं तो आईटी में इंफोसिस, एससीएल, टीसीएस, विप्रो, अच्छे खासे आईटी स्टॉक्स मौजूद हैं, एनबीएफसी, स्टील, डाइवर्सिफाई, पावर, होटल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, सिगरेट, पावर इक्विपमेंट, बढ़िया एक इन्होंने भी एक अपना पोर्टफोलियो जो है एक मैनेज कर रखा है, ये भी आप कहेंगे तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। लास्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान इसका भी, एंड करीब करीब 2600 करोड़ का इनका जो है फंड साइज है, मॉडरेटली हाई रिस्कोमीटर लेकिन बहुत ही सॉलिड, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है करीब करीब 61% का, एंड साथ के साथ मैं आपके सामने नंबर ऑफ स्टॉक्स रखूं तो इनके 54 स्टॉक्स में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत,
और देखेंगे तो करीब करीब 66% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, 13% मिड कैप में एंड 5% समथिंग स्मॉल कैप में। एंड स्टॉक्स की वेटेज अगर आप देखेंगे तो 50%, मतलब आधी वेटेज इन्होंने टॉप 10 स्टॉक्स को दे रखी है, जिसमें 4 बैंक्स मौजूद हैं एंड आईटी से इंफोसिस टीसीएस मौजूद है, एचयूएल मौजूद है, एचडीएफसी, कोटक, एलएनटी, रिलायंस मौजूद है इनके पास में। तो देखेंगे एक स्टॉक्स, एक अच्छे खासे स्टॉक्स इनके पास में टॉप 10 में मौजूद है। और साथ के साथ मैं आपके सामने कंप्लीट होल्डिंग अगर इनकी रखूं तो होल्डिंग्स में अगर आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज मैं आपके सामने रखता हूं। तो आईटी में देखें इंफोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट मौजूद है इनके पास, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, एई स्मॉल, सारा इनके पास में जो है बैंक्स मौजूद है, प्राइवेट बैंक्स मौजूद है सारी। एंड रिफाइनरीज में देखें रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री पार्शियली पेड, भारत पेट्रोलियम, एनबीएफसीज, फार्मा, सीमेंट, डाइवर्सिफाई, हाउसिंग फाइनेंस, पैसेंजर, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग डिजाइन, टेलीकॉम, बेहतरीन। एक इन्होंने भी जो है स्टॉक्स जो है एक अच्छे खासे स्टॉक्स जो है चूज कर रखे हैं लार्ज कैप से, और जो पोर्टफोलियो एक दमदार पोर्टफोलियो इन्होंने भी बना रखा है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये मैंने 5 जो है म्यूचुअल फंड रखे हैं, एक्सिस ब्लू चिप, मिराया सेट्स एंड साथ के साथ करन कैनरा रोबेको ब्लू चिप एंड निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड साथ के साथ जो है कोटक ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। आप इनमें 5 में से आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो सबका जो है हालांकि वही आसपास का इनका जो है रिटर्न रहा है। भलिया इनके जो म्यूचुअल फंड हैं टॉप नंबर पर अगर आप देखेंगे तो एक्सिस ब्लू चिप में आप पैसा लगा सकते हैं। बढ़िया एक तरीके से म्यूचुअल फंड ये है मौजूद किया और बढ़िया मैनेज कर रखा है इसको। तो फ्रेंड्स आपको ये म्यूचुअल फंड्स का जो है वीडियो कैसा लगा, और आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट है या आपको कोई क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।